आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेम नेम की मैंगा पर बेस्ड मूवी जिसका नाम है आई एम ए हीरो। तो कहानी की शुरुआत में हम हिडियो नामक एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मैंगा आर्टिस्ट होता है और वो अपनी मैंगा पर बहुत कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मैंगा को कोई भी पब्लिशर नहीं मिलता, इसीलिए वो एक छोटी सी नौकरी करने लगता है। और इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड टेको को बहुत बुरा लगता है क्योंकि हिडियो की मैंगा को कोई भी पब्लिश नहीं कर रहा था। टेको अब हिडियो से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि वो उसी के अपार्टमेंट में रहता और खाता था, लेकिन अभी भी हिडियो पूरी मेहनत से अपनी मैंगा पर काम कर रहा था ताकि उसकी मैंगा पब्लिश हो सके और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रख सके। पर एक दिन टेको हिडियो से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो उसे अपने घर से निकाल देती है। अब हिडियो के पास एक शॉटगन होती है जिसका उसके पास लाइसेंस भी था, इसीलिए हिडियो टेको से शॉटगन का लाइसेंस मांगता है क्योंकि अगर वो बिना लाइसेंस की शॉटगन लेकर बाहर गया तो पुलिस उसे पकड़ सकती थी, इसीलिए टेको उसे उसकी गन का लाइसेंस दे देती है और उसे यहाँ से भगा देती है। हिडियो भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें न्यूज चैनल से पता चलता है कि शहर में एक ZQN नाम का वायरस फैल रहा है जिसके चलते लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, जिससे वो वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए सरकार की तरफ से सभी लोगों को घर में सेफ रहने का सजेशन दिया जाता है। इधर हम हिडियो को देखते हैं जो अकेला ही पार्क में बैठा था क्योंकि उसके पास घर नहीं था, वो अब बेघर हो चुका था। अगले दिन हिडियो अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर हम उसके बाकी के कलीग्स को देखते हैं। इनमें दो लड़के और एक लड़की थी और एक इनका बॉस था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इनके बॉस और इस लड़की का अफेयर चल रहा है, यानी कि इलू इलू। खैर अब ये सभी मैंगा को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए यहीं पर रुक जाती है और यहीं पर हिडियो की आंख लग जाती है, लेकिन तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड टेको का कॉल आता है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया, तुम वापस आ जाओ। अब हिडियो को उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार हो। अब क्योंकि ज्यादा रात हो गई थी इसीलिए हिडियो टेको के घर नहीं जाता, लेकिन अगली सुबह तुरंत वो टेको के घर आता है और टेको को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन टेको दरवाजा नहीं खोलती, इसीलिए हिडियो टेको को कॉल करने की भी कोशिश करता है लेकिन टेको कॉल पिक नहीं करती। लेकिन जब वो लेटर बॉक्स की जगह से अंदर झांकता है तो पाता है कि टेको बहुत अजीब तरीके से हरकतें कर रही है। हिडियो टेको को आवाज लगाता है जिसे देख टेको अजीब हरकतें करते हुए हिडियो के पास आती है और उस पर अटैक कर देती है। हिडियो टेको से अपने आप को बचाता है और उसे वापस घर में कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन टेको अपने हाथ और पैर दोनों से उस पर हमला कर देती है और वो दरवाजे को अपने दांतों से काटने भी लगती है, जिस दौरान उसके सभी दांत टूट कर गिर जाते हैं। इसके बाद टेको हिडियो को उठाकर घर के अंदर फेंकती है और उसे मारने लगती है। वो उसके हाथ पर काटने की कोशिश करती है, पर हिडियो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए टेको को धक्का दे देता है, जिससे टेको के सर में हिडियो का एक अवार्ड घुस जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख कर हिडियो डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुँचता है तो देखता है कि उसके कलीग की शर्ट पर बहुत सारा खून है, उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट है और उसने अपने ही एक कलीग को मार डाला था क्योंकि वो ZQN नाम के वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी इनका बॉस बाहर आता है, इसकी आंखें बहुत अजीब थी क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। इनका बॉस इनसे कहता है कि तुमने अपना काम पूरा कर लिया, जिसे देख वो गुस्से में अपने बॉस का सर फोड़कर उसे मार डालता है। हिडियो उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, इस पर वो कहता है मुझे नहीं पता, शायद ये सब इन्फेक्टेड हो गए हैं और इन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की, इसीलिए मैंने इन्हें मार डाला और ये सिर्फ तभी मरते हैं जब इनके दिमाग पर अटैक किया जाए। वो ये भी बताता है कि ये जिसे भी बाइट करेंगे यानी कि काटेंगे वो आदमी भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तभी हिडियो अपने हाथ की तरफ देखता है, लेकिन क्योंकि टेको के दांत टूट चुके थे इसीलिए टेको उसे बाइट नहीं कर पाई थी, इसीलिए हिडियो बिल्कुल सेफ था। तभी हिडियो का कलीग वो भी जॉम्बी बनने लगता है क्योंकि उसे भी बाइट कर लिया गया था, लेकिन क्योंकि वो भी अपनी कॉन्शियस में था इसीलिए खुद ही अपनी गर्दन काट कर अपने आप को मार डालता है क्योंकि वो जॉम्बी नहीं बनना चाहता था, जो बाद में और लोगों को मारकर उन्हें खाता और इन्फेक्ट करता। हिडियो ये सब देखकर डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी एक और कलीग यहाँ आती है जो कि इन्फेक्टेड थी, जिसे देखकर हिडियो यहाँ से भाग जाता है और टाउन की तरफ दौड़ता है। वो देखता है कि शहर के ऊपर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स उड़ रहे हैं, इसका मतलब पूरे शहर में इमरजेंसी अलर्ट हो चुका है। धीरे धीरे हिडियो आगे जाता है और देखता है कि सभी लोग एक एक करके वायरस की चपेट में आ रहे हैं और वो एक दूसरे को काट रहे हैं। ये सब देखकर हिडियो अपनी जान बचाने के लिए एक टैक्सी के पास जाता है और ड्राइवर को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी हिडियो के पास एक लड़की आती है जिसका नाम हिरोमी होता है और वो ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही थी। तभी इनकी तरफ एक ज़ॉम्बी आने लगता है जिसे मारने के लिए हिडियो अपनी शॉटगन निकालता है, लेकिन उसके हाथ में गन नहीं थी, वो ये सिर्फ हेलुसिनेट कर रहा था। अब ये सब टैक्सी में बैठते हैं, लेकिन तभी एक और आदमी आकर इनके साथ बैठ जाता है और टैक्सी ड्राइवर इन्हें लेकर चल देता है। कुछ देर बाद जो आदमी इनके साथ बैठा था वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने बाइट किया था। वो इन पर अटैक कर देता है और टैक्सी ड्राइवर को इन्फेक्टेड
कर देता है। इसके बाद ये ज़ॉम्बी हीडियो पर भी हमला कर देता है और हीडियो से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी हीडियो को पकड़ लेता है, पर हीरोमी उसकी मदद करती है। इसके बाद हीडियो इस ज़ॉम्बी को लात मारकर गिरा देता है और ये ज़ॉम्बी मारा जाता है। कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर भी ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगता है। ये टैक्सी ड्राइवर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि 30 साल में उसने कोई भी कानून नहीं तोड़ा। इसके बाद ये टैक्सी ड्राइवर कानून तोड़ते हुए गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है, जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है। हीडियो और हीरोमी दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तो इनके पीछे पूरा शहर था जो ज़ॉम्बी की दहशत में तबाह हो चुका था। इन्हें पता चलता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इससे ये लोग अपनी मेमोरी को तो भूल जाएंगे लेकिन उनका प्रोफेशन उनकी बॉडी को नहीं छोड़ेगा। जैसे कि अगर कोई एथलीट है तो वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वैसे ही हरकतें करेगा। इन्हें ये भी पता चलता है कि अगर ये माउंट फूजी पर जाएं तो वायरस खत्म हो सकता है, इसीलिए ये माउंट फूजी पर जाने का डिसाइड करते हैं, मगर रात होने की वजह से एक सेफ जगह पर छुप जाते हैं। और अब तक ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगली सुबह जब हीडियो की नींद खुलती है तो वो देखता है कि हीरोमी की गर्दन पर ज़ॉम्बी बाइट है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड है। ये देखकर वो डर जाता है और हीरोमी पर गन तान देता है। इसके बाद हीरोमी बताती है कि मुझे एक बच्चे ने काटा था। अब क्योंकि हीरोमी अब तक ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, इसलिए हीडियो उसे नहीं मारता। वो सोचता है कि अगर ये दोनों एक बार माउंट फूजी पर पहुंच गए तो शायद हीरोमी ठीक हो सकती है। अब इसके बाद ये दोनों माउंटेन की ओर बढ़ने लगते हैं और यहाँ अचानक हीरोमी हीडियो से कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ से अपना सफर अकेले ही तय करो। अब हीडियो को समझ नहीं आता कि हीरोमी ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन तभी हीरोमी की एक आंख ज़ॉम्बी की तरह हो जाती है और वो ज़ॉम्बी बनने लगती है, जिसे देखकर हीडियो डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। आगे जाकर उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जिससे वो मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी खुद एक ज़ॉम्बी था। वो हीडियो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हीरोमी आ जाती है और इस ज़ॉम्बी के हाथ पैर तोड़कर इसे मार डालती है। इसके बाद वो हीडियो की तरफ हाथ बढ़ाती है। ये सब देखकर हम समझ पाती हैं कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी है, वो एक हाफ ज़ॉम्बी है। खैर बहुत समय तक जैसे तैसे करके ये रूखा सूखा खाकर जंगलों में ही समय बिताने लगते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। एक दिन ये दोनों मेन रोड पर आते हैं जहाँ पर हीडियो को एक शॉपिंग कार्ट मिलता है, जिसमें वो हीरोमी को बैठाकर आगे बढ़ने लगता है। तभी वो एक मॉल पर रुकता है और देखता है कि वहाँ की हालत भी खराब है और सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ पर हीडियो नए नए कपड़े पहनता है। तभी यहाँ इसी शॉप का मालिक आ जाता है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद वो हीडियो पर हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर सुगुमी नाम की एक लड़की आती है जो उस ज़ॉम्बी को मार देती है और हीडियो की जान बचा लेती है। सुगुमी यहाँ अकेली नहीं थी बल्कि सुगुमी की तरह और भी लोग थे जो यहाँ इन ज़ॉम्बी से बचकर रह रहे थे मॉल के टेरेस पर, ताकि ज़ॉम्बी इनके पास ना आ सके। जैसे कि जब इन्हें खाने का सामान लाना होता था तो कुछ लोग बर्तन बजाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करते थे, इसका फायदा उठाकर कुछ लोग निकलकर खाने का सामान ले आते थे। अब ये लोग हीडियो और हीरोमी को भी रहने के लिए यहाँ पर जगह देते थे। यहाँ हम लूरा नाम के आदमी को भी देखते हैं जो इन सभी का लीडर था, और वो हीडियो की शॉर्ट गन देखकर थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि इस गन का मॉडल काफी अच्छा था और यूनिक था। अब रात को हीडियो और सुगुमी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जिस दौरान सुगुमी हीडियो से पूछती है कि तुम हीरोमी से कब मिले। इस पर वो बताता है कि टाउन से भागते दौरान हमारी मुलाकात हुई थी और वो काफी बीमार थी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। अब दरअसल हीडियो ने इन्हें ये नहीं बताया होता कि हीरोमी एक हाफ ज़ॉम्बी है, बल्कि ये बताता है कि उसकी तबीयत खराब है। अब सुगुमी भी एक बात बताती है और कहती है कि मैं भी एक नर्स थी और मुझे एक पेशेंट को संभालना था, इसे संभालने में मैं नाकाम रही क्योंकि वो इन्फेक्टेड था और ज़ॉम्बी बन गया, इसीलिए मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अगले दिन इनका लीडर लूरा कहता है कि खाना खत्म हो रहा है तो इसीलिए हमें खाना लेकर आना होगा। अब यहाँ पर लूरा हीडियो से कहता है कि तुम अपनी गन मुझे दे दो क्योंकि यहाँ का कानून मैं हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। हीडियो उसे अपनी शॉटगन देने से इनकार कर देता है। इस बात से लूरा और उसके साथियों को बहुत बुरा लगता है और वो हीरोमी को बाहर निकालते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं, पर क्योंकि हीरोमी हाफ ज़ॉम्बी थी इसीलिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इनमें से एक आदमी को दूर फेंक देती है। इस दौरान उसकी आंखों से पट्टी उतर जाती है और सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये एक ज़ॉम्बी है। हीडियो लूरा को धमकी देता है कि अगर तुमने हीरोमी को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन लूरा फिर भी हीरोमी को वो से शूट करके मार डालता है। इसके बाद उसके आदमी हीडियो से उसकी गन भी छीन लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। अब इसके बाद लूरा के जो साथी होते हैं वो लूरा को धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुमने हीरोमी को क्यों मारा, तुम्हें हीरोमी को हमारे हवाले करना था। अब ये सुनकर हम समझ पाते हैं कि लूरा के साथी बहुत ज्यादा ठरकी थे। खैर इसके बाद लूरा के आदमी कहते हैं कि तुम कोई खास नहीं हो, यहाँ हम सब एक जैसे हैं, एक बराबर हैं। इधर हीडियो सुगुमी के पास जाता है जहाँ सुगुमी उसे बताती है कि हीरोमी अभी भी जिंदा है, उसकी धड़कनें चल रही हैं। अब यहाँ सुगुमी हीडियो से कहती है कि मैं हीरोमी का ख्याल रखूंगी। अब इसके बाद सभी लोग मिलकर खाना लेने के लिए जाते हैं और खाना इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन लूरा वो कंट्रोल
कंट्रोल रूम में जाता है क्योंकि वो अपने साथियों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि यहाँ सिर्फ एक ही लीडर है और वो है वो खुद। यहाँ लूरा हॉल का साउंड ऑन कर देता है जिस वजह से ज़ॉम्बी वो साउंड सुनकर यहाँ पहुँच जाते हैं और एक एक करके लूरा के सभी साथियों को मारने लगते हैं। पर हीडियो एक लॉकर में अपने आप को बंद कर लेता है। दूसरी तरफ जो एथलीट ज़ॉम्बी होता है वो दूर से दौड़ कर आता है और एक हाई जंप लगाकर टेरेस पर पहुँच जाता है। इसके बाद वो सभी लोगों को मारने लगता है और उन्हें इन्फेक्टेड कर देता है। लेकिन सुगुमी हिरोमी को लेकर छुप जाती है। इसके बाद वो वॉकी टॉकी के थ्रू हीडियो को बताती है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी ने सभी को इन्फेक्ट करके ज़ॉम्बी बना दिया है। इस पर हीडियो सुगुमी को बेसमेंट में आने को बोलता है। अब जैसे ही हीडियो लॉकर से बाहर निकलता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ पर काट लेता है। लेकिन हीडियो रियलाइज करता है कि उसने अपने हाथ में बहुत सारी घड़ियां पहन रखी हैं, जिस वजह से वो बच गया। अब इसके बाद वो यहाँ से भागता है और हॉल में पहुँचता है। तभी उसे अपनी शॉटगन मिल जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर सुगुमी हिरोमी को लेकर आ जाती है और उसे लूरा मिलता है जो कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी बन जाता है क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने इन्फेक्ट कर दिया था। अभी यहाँ लूरा खुद ही अपनी आंखें फोड़कर सुगुमी और हिरोमी पर अटैक कर देता है। इसके बाद ये दोनों भागने लगते हैं और तभी हीडियो लूरा का सर उड़ा देता है जिसके बाद लूरा मारा जाता है। तभी यहाँ पर इन्हीं के ग्रुप का एक आदमी आता है जो अब तक बचा हुआ था। अब ये सभी मिलकर यहाँ से निकलते हैं लेकिन दोनों तरफ से इन्हें ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं और इनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हीडियो अपनी शॉटगन लोड करता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है। उसके पास काफी बुलेट थी। इस दौरान इनके एक साथी को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और उसे इन्फेक्टेड कर देते हैं और अब बचते हैं हीडियो हिरोमी और सुगुमी। सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बाद हीडियो के सामने एथलीट ज़ॉम्बी आता है। इस पर हीडियो कई बार गोली मारता है लेकिन वो बार बार उठकर हीडियो पर अटैक करने की कोशिश करता है और फाइनली उसकी बुलेट खत्म हो जाती है। अब जैसे ही एथलीट ज़ॉम्बी इनकी तरफ तेजी से दौड़ता है तो हीडियो अपनी शॉटगन से उसका सर फोड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद ये तीनों एक कार लेकर माउंटेन की ओर निकल जाती है ताकि ये जिंदा बच सके और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।